हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर टू क्लॉक, घड़ी की बात करेंगे आज हम लोग। और घड़ी में सबसे पहला पॉइंट हम लोग निकालेंगे कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे, और कोण ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन आता है वो घड़ी की दोनों सुइयों से आता है। दोनों सुइयों का मतलब होता है घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो हम लोग बात करते हैं मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई की चाल क्या होगी और घंटे की सुई की क्या होगी, उसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। कैसे चलती है वो देखिएगा, ये आपका क्लॉक का डायल हो गया और इस क्लॉक के डायल पर आप देखें तो जैसे मान लीजिए 3 o'clock है, यहाँ पे 3 बजे हैं। तो ये बड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है और इस पूरे एक चक्कर को हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। तो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो एक मिनट में कितना चलेगी, 360 डिग्री बटे में 60 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 6 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई एक मिनट में चलती है 6 डिग्री। ये हमारा इम्पोर्टेंस पॉइंट हो गया, हमें इसे ध्यान में रखना होगा कि मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 × 60 डिग्री। या कोई पूछ ले 50 मिनट में कितना चलेगी, तो 50 × 6 करेंगे 300 डिग्री। इसके बाद हम लोग बात करते हैं घंटे की सुई की। घंटे की सुई 60 मिनट में चलती है 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे चलेगी वो समझेंगे। जैसे मान लीजिए अभी 3 बजे हैं, तो 60 मिनट के बाद ये सुई 3 के बजाय कहाँ पे पहुँच जाएगी, 4 पे पहुँच जाएगी। आपने क्या देखा कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट के दौरान सुई 3 पर थी तो 4 पे आ गई, मतलब एक खाना इसने चला। और आप जानते हैं कि टोटल डायल 360 का होता है और कितने पार्टों में बटा हुआ है, 12। तो डिवाइड करेंगे आप तो 30 डिग्री आया, यानी पर यूनिट आपकी, पर खाना आपका वो 30 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट में घंटे की सुई चली 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना चलेगी, 30 बटे में 60, कैलकुलेट करेंगे आएगा 1.2 डिग्री। तो ये हो जाएगा एक मिनट में 1/2 डिग्री। ये भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है, हमें ये दो दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा कि एक मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई चलती है एक मिनट में 1/2 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी, तो 10 का 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 10 का आधा कितना होगा, 5 डिग्री। अगर 50 मिनट में घंटे वाली सुई का एंगल निकालना है तो 25 डिग्री। तो ये हो गया आपका दोनों सुइयों की चाल। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन एक टाइम देगा आपसे, और टाइम पर एक पूछेगा कि कितने डिग्री का कोण बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन है 8:20 8:20 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 8:20 का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन हो गया। टाइम दिया है 8:20। अगर इसको घड़ी के डायल पर देखें 8:20 को, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो जितना टाइम दिया होता है उस टाइम को हम यहाँ बजा देते हैं। 8:20 है, तो ये आपका हो गया 8:20। अब आपको निकालना है ये कोण कितना है। तो देखिए कोण हम इधर से भी निकाल सकते हैं
और ये एरिया भी कोण में निकाला जा सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा मिनिमम गैप का आता है, जो कम से कम गैप होता है उस गैप का आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस झुकाव को कैसे निकालेंगे, इस कोण को। तो अभी देखिए कि दोनों सुइयों के बीच गैप कितना है। तो एक खाना अभी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था 30 डिग्री का, तो ये देखिए 30, 30 60, 30 90, 30 120, यानी ये जो गैप है वो अभी कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का गैप है। अब लेकिन जब 20 मिनट मिनट वाली सुई चल करके यहाँ पहुँचेगी तो घंटे वाली सुई 8 पर तो रहेगी नहीं, उस 20 मिनट में घंटे वाली सुई भी 8 से आगे जाएगी। तो 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी, अगर हमें ये मालूम चल जाए तो हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी, अभी हमने बताया था कि एक मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 का आधा करेंगे तो 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री घंटे वाली सुई आगे चलेगी। तो अभी गैप 120 का है और 10 डिग्री वो आगे चलेगी, तो इसमें 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 130 डिग्री ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यही घंटे वाली सुई अंदर आती होती तो 10 इसमें से घटा देते। तो कब घटाना है कब जोड़ना है इस बात पर ध्यान रखिएगा, जब भी घंटे की सुई बाहर की ओर जाएगी तो जुड़ेगा और जब भी घंटे की सुई अंदर की ओर आएगी तो घटेगा। तो ये तो इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका हो गया। अगर इसी को और कम समय में करना हो तो इसका दूसरा तरीका है, जितना भी टाइम दिया हो, जैसे 8:20 दिया है, तो हमेशा घंटे की सुई में 30 से गुणा करेंगे, मिनट की सुई में 11/2 से गुणा करेंगे और बड़े में से छोटा घटा लेंगे। जैसे 30 से 8 में गुणा करेंगे 240 होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 दाम में कितना होगा, 110। अब बड़ा 240 से 110 छोटा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री। तो कुल मिला के ये डिस्क्रिप्टिव तरीका है, ये इसका ट्रिकी अप्रोच है। ट्रिकी अप्रोच में आपको कुछ नहीं करना, जो भी घंटे की सुई होगी, घंटे का टाइम, उसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट में हमेशा 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 होगा और 11/2 से 20 को काटेंगे तो 10 आएगा और 11 धाम में 110 होगा। ये बड़ा है इसलिए इससे इसमें से घटा देंगे। मान लीजिए मान इधर बड़ा होता, ये छोटा होता, तो इस बड़े में से इस छोटे को घटा देते। मतलब कुल मिला करके हमें बड़ी में से छोटे को घटाना है। तो ये इसका तरीका हो गया। और क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया होता 9:10 पे, या क्वेश्चन दिया होता आपका 10:10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए दिया होता 6:50 पे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तरीका वही रहेगा हमारा। सबसे पहले घंटे की सुई में 30 से गुणा करेंगे, मिनट की सुई में 11/2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ गुणा करेंगे कितना होगा, 270 होगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55 होगा, 55 इसमें से घटा देंगे। 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा और यहाँ बचा आपका 2। ध्यान दीजिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट नोट समझ लीजिएगा कि अगर मान, यानी यदि मान 180 से अधिक आए, 180 डिग्री से अधिक आए, तो 360 डिग्री से घटा कर उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मान 180 से अधिक आ गया, 215 आ गया, तो इस 215 को हम 360 से घटा देंगे। तो जब 215 को 360 से घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 145 फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ देखिएगा 30 से गुणा करेंगे, यहाँ 11/2 से गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 300 आएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे, 11/5 क्या होगा, 55 होगा, घटा देंगे तो ये 245 आया। अब देखिए 180 से अधिक मान आ गया तो इसको किससे घटाएंगे, 360 से घटा देंगे 245 को,
तो 115 आएगा, ये फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 30 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 11/2 से गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे कितना होगा, 180 होगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 25 आएगा, 25 से 11 में गुणा करेंगे तो 11/5 55 होगा, 11 × 22 527 होगा, 275। अब 275 में से क्या करेंगे, 180 घटा देंगे, 5, 17 में से 8 घटाएंगे 9, यानी 95 डिग्री ये आंसर आ गया। यहाँ हमें 360 से घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मान 180 से कम था, यहाँ पर ज़रूरत पड़ी क्योंकि 180 से अधिक था, यहाँ भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये 180 से अधिक था। तो कुल मिलाकर के हमें घंटे की सुई में 30 से गुणा करना होगा, मिनट की सुई में 11/2 से गुणा करना होगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, घटाने के बाद अगर 180 से अधिक मान आता है तो 360 से घटाएंगे, नहीं आता तो जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो गया जाएगा। तो ये हो गया आपका कोण ज्ञात करने का सिस्टम। थैंक यू।